एक हाईटेक शातिर तेज तर्रार पुलिस अधिकारी जिसका दिमाग दोधारी तलवार जैसा चलता हो, जो तकनीक के सहारे क्राइम इन्वेस्टिगेशन करता हो, उसको विस्फोटक कांड, जो एंटीलिया विस्फोटक कांड है, उसकी जांच का जिम्मा दिया गया और वही अधिकारी इस केस में बुरी तरह उलझ गया। सचिन वाजे की कहानी किसी फिल्मी फैंटेसी से कम नहीं है। टेली सीरीज के इस एपिसोड में देखिए घाटकोपर रिटर्न टू थ्रेशहोल्ड। दिसंबर 2002, घाटकोपर, मुंबई। मुसाफिरों से खचाखच भरी बेस्ट बस मंजिल पर पहुंचने वाली थी। घाटकोपर आखिरी स्टैंड था। शाम को 6:45 पर बस से कुछ मुसाफिर उतरने लगे, तभी अचानक धमाका हो गया। जोरदार ब्लास्ट से बस के परखच्चे उड़ गए। बस में सवार 50 मुसाफिर धमाके की चपेट में आए, 2 की मौके पर मौत हो गई। मुंबई में टेरर अटैक हुआ था। घाटकोपर ब्लास्ट की जांच के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी शुरू कर दी। बम धमाके की साजिश में 19 लोगों को शामिल बताया गया। इसमें एक नाम था ख्वाजा यूनुस। घाटकोपर धमाके का आरोपी ख्वाजा यूनुस। महाराष्ट्र के परभणी का रहने वाला 27 वर्षीय ख्वाजा यूनुस एक इंजीनियर था और दुबई में नौकरी करता था। घाटकोपर धमाके में हिरासत में लिए जाने के बाद ख्वाजा यूनुस का पाला सचिन वाजे से पड़ा। ब्लास्ट केस की जांच के दौरान ख्वाजा यूनुस गायब हो गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच के पवई इलाके में तैनात सचिन वाजे ने ख्वाजा यूनुस की फरारी की कहानी सुनाई। मुंबई से औरंगाबाद के रास्ते में उसके भाग जाने का वाकया बताया, लेकिन सीआईडी जांच में ख्वाजा यूनुस की कहानी कुछ और निकली। सीआईडी जांच में खुलासा हुआ कि ख्वाजा यूनुस की पुलिस हिरासत में मौत हुई। जेल में टॉर्चर कर ख्वाजा की जान लेने के आरोप में 14 पुलिस वाले फंस गए। जांच के बाद मुकदमा 4 लोगों पर चला। इनके नाम थे असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन हिंदू राव वाजे, पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र राजमणि तिवारी, सुनील वसंत देसाई, राजा राम किसान निकम। आईपीसी की संगीन धाराओं में पुलिस वालों पर केस शुरू हुआ। मुकदमेबाजी शुरू होते ही सबको निलंबित कर दिया गया। सचिन वाजे ने मुकदमे के दौरान साल 2007 में पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ क्योंकि केस के दौरान इस्तीफा स्वीकार नहीं हो सकता। 13 साल बाद अचानक सचिन वाजे की पुलिस महकमे में तैनाती इसी वजह से हो पाई। महाराष्ट्र सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और मुंबई पुलिस कमिश्नर की समिति की ओर से सचिन वाजे को बहाल किया गया। कोविड ड्यूटी को आधार बनाया गया। ये जून 2020 की बात है। सचिन वाजे की बहाली क्राइम ब्रांच में की गई, वो भी बेताज बादशाह के तौर पर। ये बहुत गंभीर घटना है और सचिन वाजे के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन उस समय मुख्यमंत्री जी और गृह मंत्री जी केवल उनका बचाव कर रहे थे, मानो उनके वकील हो। तो जो क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट है, जो मुंबई पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और जिस पर हमेशा PI रहता है, उसका प्रमुख, तो रातों रात PI को हटाकर जो 16 साल से सस्पेंडेड है, ऐसे API को उसका प्रमुख बनाया गया। जबकि सचिन वाजे का ओहदा असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर का था, लेकिन मुंबई पुलिस में सचिन वाजे से बड़े बड़े अफसर कतराते थे। एंटीलिया केस में सचिन वाजे की हेकड़ी देखते ही बनी। 25 फरवरी की रात एंटीलिया के सामने जब जिलेटिन छड़ों वाली गाड़ी मिली थी, तब वहां जांच के लिए ATS टीम भी पहुंची थी। ATS की टीम के पहुंचने पर सचिन वाजे ने अपनी हनक दिखाई। DCP रैंक के ऑफिसर को सचिन वाजे ने सिविल ड्रेस में होकर हड़का भी दिया। सचिन वाजे ने DCP को अपना परिचय इस अंदाज में दिया, सचिन वाजे नाम है मेरा, इसे देख लूंगा, आपकी जरूरत नहीं। सबसे हैरानी की बात यह थी कि अगले ही दिन इस केस की जांच सचिन वाजे के पास थी। शायद सचिन वाजे के गॉडफादर ने उसे मनमानी की रियायत दे दी। कौन है वाजे का गॉडफादर? कैसे एक असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर का पूरे महकमे में सिक्का चलने लगा, जानेंगे तो दंग रह जाएंगे।
आपकी सेहत आपकी बात, देखिए कैसे रहें फिट मेरे साथ। खान पान, स्ट्रेस, डिप्रेशन पर अब जरूरी है बात। मैं हूं डॉक्टर शिखा शर्मा। टीवी 9 डिजिटल पर देखिए मेरे साथ। आप फिट तो सब हिट।